चैनल पर लगी और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर जमाजम मार्केट, ये जो विवाद पूरा उठा है जमाजम मार्केट को लेकर, बहुजन विकास आघाड़ी नगर सेवक, माफ कीजिएगा, पूर्व नगर सेवक प्रवीण मीरा, शिवसेना के शिरीष चौहान और मनसे ने एक साथ मिलकर आंदोलन करने की जो बात कही है और उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का नाम सामने आया है। भाजपा के राजेंद्र नाइक और मनोज बारोट को टारगेट किया गया है। हालांकि यह भी बता दे कि राजेंद्र नाइक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी है और मनोज बारोट ने कुछ विवाद सामने आया है। इस पूरे विवाद के ऊपर हमारे चैनल के माध्यम से इसमें आपकी क्या भूमिका है, एक बयान जारी करते हुए ये कहा था कि इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। तो उस बयान मनोज बारोट के उस बयान के बाद प्रवीण वीरा ने हमसे संपर्क किया और हमको कहा, वीरा सर, ये जमाजम मार्केट क्या हमारा भी इसके बारे में मत जानिए। मनोज बारोट साहब ने कुछ, तब हमने प्रवीण वीरा से मुलाकात की, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और प्रवीण वीरा का बयान लिया, जो आप आइए वीडियो में देखेंगे क्या कुछ कहा प्रवीण वीरा ने किया है। वीडियो काफी लंबा है लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा। सामवेदी ब्राह्मण संघ, बने रहिए सैफ न्यूज लाइव के साथ। ये जमाजम मार्केट का जो पूरा मामला हुआ और मनोज बारोट साहब ने कुछ जो इसका क्लेरिफिकेशन दिया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मनोज बारोट जी ने बात किया है उसका खुलासा तो हम इस तरीके से करेंगे कि सामवेदी ब्राह्मण संघ के जो अध्यक्ष है राजेंद्र जी नाइक, उनका और सामवेदी ब्राह्मण समाज का पूरे पूरा शायद मुझे लगता है कि कारोबार ये मनोज जी बारोट है कि क्या, कि समाज का कोई इंसान न बोलने के बावजूद भी मनोज जी बारोट ने इसका खुलासा दिया है, जबकि वो खुलासा पूरे पूरा गलत देने में आया गया है, उनकी जानकारी पूरी गलत है। सर, यहाँ मैं आपको काटता हूँ, तो खुलासा यानी कि उनका नाम उछला था तो उसके लिए उनको सवाल किया गया था कि उनका क्या इन्वॉल्वेशन है, उसके ऊपर उन्होंने खुलासा किया था। हमारे पास उनके ये बात थी कि हमने सामवेदी ब्राह्मण संघ के खिलाफ कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट में हमने उनसे जो दिया हुआ है उसमें राजन जी नाइक अध्यक्ष की तरफ से वहाँ वो प्रेजेंट हुए थे, जो जगह पे जमाजम मार्केट बनाया जा रहा था उसी में मनोज जी बारोट और भाटिया जी ये दोनों मिलके वहाँ काम कर रहे थे। कई वहाँ जो फेरी वाले और टपरी वाले बैठाए गए उनसे उन्होंने बातचीत किए हुए है, उनके हमारे पास वीडियो फोटोज और उन्होंने जो बोला है उनके हमारे पास कैमरे में कैद किए हुए फोटोग्राफ्स भी प्रूफ के तौर पे है, जो आपको हम जिस टाइम बोलो उस टाइम बता सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि उस जगह पे कौन से कारण से मनोज जी बारोट आए हुए थे और वहाँ जो फेरी वाले बैठे थे उनसे बातचीत करते थे, उनसे झगड़ते थे, कई जो टपरी वहाँ बैठाने वाले थे उनको भाड़ा जागा और काम ये सब वहाँ साइड पे वो देख रहे थे समाज की जगह पे। ये चीज के फोटोज हम आपको बता भी सकते हैं और उसमें उनका क्लियर फोटो आया हुआ है और उसके बावजूद इस चीज़ की जानकारी उनको पूरे पूरी थी, जबकि हमने 23/1/2020 को ये अनधिकृत और अतिक्रमण किया जा रहा था उस बांधकाम को हटाने के लिए। एक बार फिर से आपको रोकता हूँ सर, आपका इस मार्केट से क्या संबंध है इस जगह से? हम इस मार्केट की जो जगह है
ये सामवेदी ब्राह्मण संघ समाज की है और उस समाज की वहाँ एक 40 साल पहले की पुरानी इमारत यानी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में हमारे हमारे तीन दुकानें और दो रूम्स थे जिसके हम वो भाड़ूत थे। टेनेंसी राइट हमारे पास उनका था और उस टेनेंसी राइट के हिसाब से हम वहाँ भाड़ूत के तौर पे रहते थे और बकायदा हम भाड़ा समाज को दिया करते थे और वहाँ रह के हम हमारा काम धंधा रोजगारी और रहने का दोनों काम करते थे। और उसको बिल्डिंग 40 साल पुरानी होने के कारण जर्जरित हो गई थी और महानगर पालिका नोटिस आई। उस नोटिस 1/7/2019 के दिन हमने उस नोटिस के आधार पे बिल्डिंग खाली करने के लिए महानगर पालिका को दिया था और उस पे महानगर पालिका ने वो बिल्डिंग को निष्कासित किया था और हमें लिखित में दिया हुआ है 17/7/2019 को कि हमारे पास से उन्होंने ये जगह पजेशन लेके गिराया गया वो बिल्डिंग में। और कोर्ट से हमें बकायदा समाज ने लिख के दिया हुआ है कोर्ट में कि हम टेनेंसी राइट दे के ही आपको इमारत बना के उस इमारत में आपकी जगह आपको देंगे, जबकि वो जगह न देते हुए वहाँ पे आज हमने को काम चालू होने के जा रहा था ऐसा मालूमत पड़ा। उस टाइम 23/1 को हमने एक लिखित में एप्लीकेशन भी दिया, समाज को भी दिया और महानगर पालिका को भी दिया कि हमारे टेनेंसी राइट होने के बावजूद उस जगह पे आप कुछ भी करिए मत करके, लेकिन नहीं सुने। उसके बाद हम वसई न्यायालय कोर्ट में गए और वहाँ से हमें 27/1/2020 को स्टेटस को मिला कि जैसे थे ऐसा ये रखा जावे, जबकि वो जगह उस टाइम के फोटोग्राफ्स के हिसाब से और गूगल के इमेज पे भी आज आप देख सकते हो कि वो जगह उस टाइम खाली थी, पूर्ण जगह खाली थी, प्लॉट था, चारों बाजू से उसको कंपाउंड लगाया गया था बकायदा और वहाँ पूरा वो ताबे में थी समझ के। फिर 30/30 का हमें शौक लगा कि 30 जनवरी के दिन वहाँ ये जमाजम मार्केट का ओपनिंग हो गया और वहाँ पे जो केबिन टपरी और शेड और बाकी का सब काम वहाँ हो गया और नए जो वहाँ पे बैठने वाले थे उन लोगों को बैठाया गया और उनके पास से करीबन किन से 15,000 भाड़ा, किन से 12,000 भाड़ा, किन से 10,000 भाड़ा, किन से 8,000 भाड़ा और कुछ वहाँ फल फ्रूट और भाजी वाले बैठे थे उन लोगों से 270-280 रुपए के हिसाब से रोजाना लिए जाते हैं। और ये सर आप आरोप लगा रहे हैं कि इसके कुछ आपके पास प्रूफ? हमारे पास कोई भी उस चीज का जानना हमारा प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पास वीडियो उनके उतारे हुए है जो भाड़ा उन्होंने बताया गया है उसके लिए हमारे पास उनके वीडियो है और वो जो बताया जा रहा था उनके जो केयर टेकर आज भाटिया बता रहे हैं वो उनके सभी से निगोशियबल कर रहे थे और बता रहे थे और उनके एविडेंस भी है हमारे पास। उसके बावजूद जो वो बता रहे हैं तो हम उसके खिलाफ आज 10/2 के दिन उन पे हमने तकरार और कार्यवाही और गुने कायदेशिक गुना दाखिल करने के लिए अर्ज किया था। वो अर्ज के बाद हमने एक अर्जी और की थी जो कि 8/3 को हमने रास्ता रोको आंदोलन किया था। उस रास्ता रोको आंदोलन के लिए हमको 7/7 को महानगर पालिका ने एक लेटर दिया कि हम आने वाले 9/9 को उस पर निकासित करने की कार्यवाही करेंगे करके हमारा 8/8 का रास्ता रोको आंदोलन हमने पोस्टपोन किया है और आगे की कार्यवाही करने के लिए हमने महानगर पालिका को और बाकी लोगों को पुलिस स्टेशन को भी बताया हुआ है कि इन लोगों पे हमारी जो तकरार है उसकी कार्यवाही और जिन पे हो सकेगा उन पे गुना दाखिल करके कार्रवाई किया जावे। अगर वो चीज नहीं करने में आएगी तो हम सब भड़ूत लोग वहाँ मिल के
अमरण उपोषण की भी तैयारी कर रहे हैं कि हमको हमारा हक और अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। सर आखिरी सवाल, आप खुद बहुजन विकास अघाड़ी से जुड़े हुए हैं, माजी नगर सेवक रह चुके हैं, तो अभी ऐसी क्या नौबत आई इसमें कि आप बहुजन विकास अघाड़ी को, शिवसेना को, मनसे को, सबको एक साथ एक मंच पर आना पड़ा? हमारा जो रोल था वो रोल ऐसा था कि हम वहाँ के 40 साल पुराने भाड़ूत थे और हमारा जब हक के ऊपर, अधिकार के ऊपर हमारे जो जमाजम मार्केट बनने जा रही थी, तो उसकी आजू बाजू के सोसाइटियों को और आने जाने वाले लोगों को वहाँ तकलीफ होने लगी थी, उसके कारण वहाँ का परिसर का माहौल बिगड़ रहा था। उस माहौल को बिगड़ते हुए देखते हुए हम जो कि बहुजन विकास आघाड़ी और शिवसेना और मनसे ये सब साथ में एक होके उस चीज़ के लिए हमने आंदोलन छेड़ा है कि अनधिकृत अतिक्रमण किया हुआ उस जगह पे हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए, और हमारी जगह पे अगर आप इमारत बनाने के लिए सक्षम नहीं हो तो हम भाड़ूत लोग अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देके देने को भी तैयार है। हमारे से आप बांधकाम का पैसा लेके भी आप इमारत खड़ी करके हमको, कृपया हमारी जो भाड़ूत लोगों की परिस्थितियां नहीं है उस भाड़ूतों को उनके जगह दिया जाना चाहिए, ये हमारा कहना है और उसी के लिए हमारी लड़ाई है।